जी ये इवेंट था मिस्टर राजस्थान 2023, जो कि हुआ था 17, 18, 19 नवंबर को, जयपुर के अंदर ही हुआ था ये। लेकिन जो ये कंपटीशन था, ये पूरे ऑल ओवर राजस्थान से एंट्री आई थी, राजस्थान के अलग अलग कोनों में से। कुछ 2000 मेरे साथ के मेरे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2000 में से जो 200 लोग थे उनका ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एंट्री हुई, जो लोग सेकंड राउंड में गए थे। उसके बाद जो लास्ट राउंड था वो था फाइनलिस्ट 30 राउंड का, जो जिसमें 30 फाइनलिस्ट थे, जो मेरी नज़रों में सबके सब विनर थे, बट उन्होंने भी 30 जो आए वो काफ़ी आगे तक गए। तो 30 रह के बाद जो था वो हमारा पूरा 1.5 महीने तक ये कॉम्पिटिशन चला था। 1.5 महीने में हमें सब कुछ सिखाया गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग सेशन, आपको पोज कैसे करना होता है, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आपको एक नया आदमी बनाया। तो ये चीज़ें थी। फिर लास्ट जो था हमारा 19 नवंबर को इसका फाइनल हुआ, जिसमें मेन जो मॉडलिंग डिसाइड होती है वो आपकी नॉलेज पे और आपके ओवरऑल डिसिप्लिन में देखी जाती है। तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड था, तो मैंने वो क्वेश्चन आंसर राउंड बहुत अच्छे से दिया। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैंने उस चीज़ में अच्छा बोला, इसीलिए मैं इस चीज़ को आज हासिल कर पाया। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट किया। मच बिल्कुल, आजकल मैं देखता हूँ कि जितने भी युवा हैं वो सब इस चीज़ में घुस चुके हैं। जो भी है, आप अपने घर वालों से शेयर नहीं करते, आप कुछ चीज़ में दबे रह जाते हो, इसीलिए आप ये कदम उठा पाते हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं युवा को इंस्पायर करूँ। और मैं भी जैसे, अगर आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम करना है, अगर आप इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहते हो, तो आप अपने आप को फिटनेस में ट्राई कीजिए। आप जितने पैसे इन सब चीज़ों में ख़राब करते हैं, आप उतना अच्छा खाना खा के या अच्छी चीज़ें खा के आप अपनी बॉडी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है। नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप जो भी चीज़ में आपको बुरा लगता है या आप कह नहीं पाते, वो अपने आप घर वालों से या अपने दोस्तों से सब चीज़ें शेयर करो। क्योंकि आदमी जब घुलता मिलता है तो वो कभी भी ड्रग्स वगैरह का नहीं सोचता। मैं इस मुकाम का श्रेय मेरे परिवार को देना चाहूँगा। हालांकि मेरे को कभी भी सपोर्ट नहीं मिला स्टार्टिंग से लेके बीच बीच में भी, बट वही है कि जब आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हो तो आपको सपोर्ट देने वाले कोई भी नहीं होता। आपको अगर इस चीज़ में है तो खुद खड़े होना पड़ता है। मैंने खूब मार भी खाई है, मैंने बहुत ताने सुने हैं। तलवार को भी जब बनाया जाता है तो उसे भी बहुत मारा पीटा जाता है। तो मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं किया, बट धीरे धीरे जब मैंने उनको बिलीव दिलाया, जब मैंने छोटे छोटे कई कदम में हासिल किए, तब उनको थोड़ा विश्वास आया कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे घर वालों को मेरे पे विश्वास रखने के लिए। मेरा नाम है अंशवालिया और मैं मिस्टर राजस्थान का टाइटल जीता हूँ। थैंक यू सो मच।